हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को वेलोसिटी, वेवलेंथ और आप लोगों को फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप बताई थी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई थी, आपको ऑसिलेशन की बताई थी, फेज की बताई थी, ठीक है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड की सबकी डेफिनेशन आप लोगों को डिटेल से समझाई थी और लिखवा भी दी थी। और आपको रिलेशन बताया था कि वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, कि वेलोसिटी क्या होता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन होता है। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को इस जो साउंड की स्पीड होती है वो किस तरीके से होती है, किससे फास्टर होती है, किस मीडियम में जल्दी ट्रेवल करती है, उसके बारे में समझाएंगे और लिखवाएंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, इससे एटम सेफ एटम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे, कोई भी डाउट राहुल सर से पूछते रहे। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में आ जाइए कि साउंड की जो स्पीड होती है वो किस तरीके से होती है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। बात करते हैं कि हम जानते हैं कि साउंड जो ट्रेवल करती है वो मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में मीडियम, दोनों तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। तो लिखिएगा साउंड, ठीक है, कैन ट्रेवल, ठीक है, साउंड जो ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, तीनों मीडियम में कर सकती है, थ्रू THROUGH, थ्रू मीडियम लाइक सॉलिड कॉमा लिक्विड और गैस, ठीक है, गैस यानी कि एयर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम जानते हैं इट ट्रेवल, मैंने आपको बता भी दिया था, इट ट्रेवल्स मैक्सिमम इन सॉलिड, सबसे ज्यादा सॉलिड है, उससे कम लिक्विड है, ठीक है, और सबसे कम गैस में, देन इन लिक्विड एंड देन मिनिमम इन, ठीक है, लिखिएगा, एंड देन मिनिमम इन गैसेस, ठीक है, गैस यानी कि एयर, ओके। इसके बाद मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है, वी, यहां पर लिख रहा हूं मैं एस का मतलब स्पीड, ठीक है, सबसे ज्यादा है सॉलिड में, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, फिर बी, और यहां पर लिख रहा हूं मैं एस लिक्विड, ठीक है, और इधर लिख रहा हूं मैं वी एस, ठीक है, गैस। तो देखिए वी एस सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में, ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड और देन गैस। चले आगे की तरफ, ठीक है, आपको पता ही है सबसे ज्यादा जब गैस में ट्रेवल जो लाइट है, लेकिन इसके अपोजिट में बट, यहां लिखिए बट इन केस, ठीक है, अब मैं लाइट वाला केस लेके चल रहा हूं, बट इन केस, ठीक है, लाइट, ठीक है, ट्रेवल्स, लाइट जो ट्रेवल्स करती है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जो लाइट ट्रेवल करती है वो किस में करती है, इन गैस यानी कि एयर में, सबसे ज्यादा जो लाइट ट्रेवल करेगी गैस में, ठीक है, यानी कि एयर, और बोल सकते हैं वैक्यूम, ठीक है, यानी कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा लाइट होती है, फिर सबसे, देन इन, आगे लिखिएगा देन इन लिक्विड, उससे कम लिक्विड में हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा गैस में यानी कि एयर में, देन लिक्विड में, ठीक है, एंड देन मिनिमम सबसे मिनिमम, ठीक है, सबसे मिनिमम किस में हो जाएगी, सबसे मिनिमम हो जाएगी सॉलिड में, किस में हो जाएगी, सॉलिड में, ओके। तो अगर लाइट का केस लिखे हम, लाइट वाला केस लिखे, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा वी, वेलोसिटी किसकी, लाइट की, एल लिख दिया मैंने यहां पर, वी, एल का मतलब लाइट, गैस में सबसे ज्यादा, इज ग्रेटर देन, ओके। फिर आ जाएगा वी, ये लाइट की वेलोसिटी, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ओके, आगे समझ में, सबसे ज्यादा हो गया, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम हो जाएगा सॉलिड में, ठीक है, वी लाइट की वेलोसिटी, और ये हो जाएगा सॉलिड। तो देखिए लाइट के केस में उल्टा है, लाइट के केस में सबसे ज्यादा गैस में, देन लिक्विड, और सबसे कम सॉलिड में। चले आगे, ठीक है, हेयर, मैं यहां पर लिख देता हूं, एस जो है वो है एस फॉर, या स्टैंड्स फॉर, ठीक है, एस, आगे लिखिएगा
STANDS स्टैंड फॉर किसके लिए आया, सॉलिड के लिए ठीक है। एंड और एल ठीक है, ये किसके लिए आया, फॉर लाइट, इज दैट क्लियर। तो एस किसके लिए आया जल्दी बताइए, सॉलिड के लिए मतलब साउंड के लिए, सॉलिड के लिए नहीं साउंड के लिए ठीक है। यहां पर जो साउंड है, साउंड की स्पीड सॉलिड, ये साउंड है ऊपर ठीक है, ऊपर साउंड है एस। और एल किसके लिए आया, लाइट के लिए ठीक है ना। एस किसके लिए आया, साउंड के लिए, और एल आया लाइट के लिए ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। हेडिंग है द स्पीड ऑफ साउंड, ये शायद ही आपको कभी पता लगे, ध्यान रखना द स्पीड ऑफ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अच्छे से समझ लीजिएगा और इनको होमवर्क में लिख भी लीजिएगा ठीक है। आपकी बुक में शायद लगता नहीं है होंगे। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, FACTORS ठीक है। ये हेडिंग है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर पे साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ द टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, समझ में आया, यदि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो ठीक है, द तो प्रेशर में क्या होगा, द चेंज इन प्रेशर, PRESURE, द चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट, हैज नो इफेक्ट ठीक है, हैज नो इफेक्ट ठीक है ऑन ठीक है, हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ठीक है। क्या लिखा, हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन छोड़ करके, मैंने ये बताया था यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर में जो चेंज होगा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा साउंड की वेलोसिटी पर। यदि गैस में बात करें, साउंड जो है ट्रेवल करती है गर्मियों में ठीक है, जल्दी ट्रेवल करती है साउंड ठीक है, सर्दियों की अपेक्षा। तो साउंड ठीक है, आगे लिखिएगा ट्रेवल्स फास्टर, TREVELS ट्रेवल्स फास्टर ठीक है, इन हॉट समर डेज ठीक है। जो साउंड है वो गर्मियों के दिनों में जल्दी ट्रेवल करती है देन, अगर बात करें देन ठीक है, कोल्ड डेज की, देन ऑन आ कोल्ड विंटर, कोल्ड विंटर डेज। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या कर क्या बताता है, थर्ड पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि बात करें साउंड की वेलोसिटी यदि बढ़ती है ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय INCREASE इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड ठीक है, 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी वन डिग्री, फॉर एवरी वन डिग्री ठीक है। आगे लिखिएगा, सेल्सियस राइज RISE ठीक है, फॉर एवरी वन डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, आया समझ में, मतलब राहुल सर ने ये बताया, ये बताना चाह रहे कि साउंड की यदि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है कितना, 0.61 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो जाती है तो हर एक डिग्री पर क्या होगा, टेम्परेचर मतलब राइज होगा, मतलब जैसे टेम्परेचर एक एक डिग्री बढ़ता है तो वेलोसिटी भी आपके इंक्रीज हो जाएगी ठीक है। इस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि गैस में यदि साउंड की वेलोसिटी देखें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ठीक है, डेंसिटी के स्क्वायर के, द वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड
इन ए गैस, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली, आई एन वी ई आर, आई एन वी ई आर एस ई एल वाई, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ ए टी आई ओ एन ई एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है, ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए गैस, ठीक है, यानी कि साउंड की जो वेलोसिटी है गैस के अंदर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट की, ठीक है, किसके स्क्वायर रूट के, किसी गैस की डेंसिटी के, ठीक है। साउंड जो ट्रेवल करती है फोर टाइम, आगे लिखिएगा, दो साउंड होती है, साउंड जो ट्रेवल करती है यदि चार गुना साउंड ट्रेवल करे, मतलब बिलीव नहीं करोगे आप कि ऑक्सीजन में जब साउंड ट्रेवल करती है, मतलब नॉर्मल जो साउंड ट्रेवल करेगी तो उससे चार गुना ज्यादा हाइड्रोजन में ट्रेवल करती है, तो साउंड ट्रेवल्स इंपॉर्टेंट भी लगा लें इस पे, ठीक है, आई एम पी लिख लें इस पे, आई एम पी पांचवें पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट पर आई एम पी लिख लें, लिखिएगा द साउंड ट्रेवल्स, द साउंड ट्रेवल्स फोर टाइम्स, ठीक है, द साउंड ट्रेवल्स फोर टाइम्स, ठीक है, फास्टर, फास्टर इन हाइड्रोजन, ठीक है, फास्टर, ठीक है, इन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन, द साउंड ट्रेवल्स फोर टाइम्स, ठीक है, फास्टर, चार गुना ज्यादा फास्ट होती है हाइड्रोजन में देन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, देन इन ऑक्सीजन, ठीक है, देन इन ऑक्सीजन। साउंड जो है वो आपको बता दूं कि जो नमी वाली एयर होती है उसमें जल्दी ट्रेवल करती है ड्राई एयर के कंपैरिजन में, तो इसमें लिखिएगा द साउंड, द साउंड ट्रेवल्स फास्टर, द साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मोइस्ट एयर, द साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, यानी कि नमी वाली एयर में जो साउंड है वो जल्दी ट्रेवल करती है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, मॉइस्ट एयर, देन इन ड्राई एयर, ठीक है, डी आर वाई, देन इन ड्राई एयर, ओके, आगे चलें, बात करें, चलिए जी, ये तो आपके पॉइंट होते हैं, कौन से पॉइंट लिखवाएं, सिक्स पॉइंट लिखवाएं आपको, ठीक है, कि साउंड की स्पीड जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है तो उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, इनको रफ कर देते हैं, चलिए जी, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन, क्या लिखवा रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, सो ठीक है, डैश लगा दीजिएगा आगे, द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, डैश लगा दीजिएगा। अब आपको बता दूं मैं, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा लाइटनिंग, एल आई जी एच टी एन आई एन जी, लाइटनिंग आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे बिजली चमकती है, ठीक है, एंड थंडरिंग, टी एच यू एन डी ई आर आई एन जी, लाइटनिंग एंड थंडरिंग, आंधी तूफान जो आते हैं, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर, आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर, ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर सो द फ्लैश ऑफ
एफ एल ए एस एच, सो द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज, ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर, सो द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन मच, ठीक है। तो आपको क्या है, कभी आपने आंधी तूफान की सुना होगा, बिजली चमकती है तो होता क्या है, उसमें आपने देखा होगा कि जो पहले चमकने की आवाज आएगी और फिर आपके गरजने की आवाज आएगी, तो आपको मच बिफोर द, ठीक है, आपको पहले क्या है, लाइट दिखाई दी जाएगी और फिर आपको गरजने की आवाज सुनाई देगी। द थंडर, THUNDER, थंडर इज हियर्ड, ठीक है, यानी कि पहले द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन, मैंने आप लिखा है द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन मच बिफोर, ठीक है, यानी कि सुन गरजने से पहले आपको लाइट की स्पीड दिखाई देगी, मतलब लाइट आपको चमकती हुई दिखाई देगी क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है। अगला लिखिए, गन इज फायर्ड एट सम डिस्टेंस, ठीक है, लिखिएगा GUN, गन इज फायर्ड, FIRED, फायर्ड एट सम डिस्टेंस, ठीक है, गन इज फायर्ड एट सम डिस्टेंस, द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन, आगे लिखिएगा द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन, तो क्या लिखा, गन इज फायर्ड एट सम डिस्टेंस, द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन वेल बिफोर, वेल बिफोर द साउंड इज हियर, वेल बिफोर साउंड इज हियर, ठीक है, यानी कि गन इज फायर्ड एट सम डिस्टेंस, गन यदि कुछ दूरी से चलाई जाए, फायर की जाती है, तो क्या होगा, आपको लाइट के चमकने की पहले दिखाई देगी और फिर आपको साउंड सुनाई देगी, ठीक है। अब आ जाइए, ये टॉपिक आपके स्टॉप होते हैं, ठीक है, ये आपने लिख लिए होंगे, इसके बाद आप हेडिंग डाले, अब आपको साउंड की कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे राहुल सर, क्या बताएंगे साउंड जो होती है, साउंड की क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है, लिखिएगा हेडिंग CHARACTERISTICH, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ओके, मतलब साउंड की साउंड जो होती है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है। चलिए जी, साउंड जो है तीन तरीके के कैरेक्टरिस्टिक रखती है, एक तो इंटेंसिटी जिसे लाउडनेस बोला जाता है, और एक पिच होती है, एक उसकी क्वालिटी होती है। इसमें लिखिएगा द साउंड हैविंग, ठीक है, क्या लिखा, द साउंड हैविंग फॉलोविंग कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTICH, ठीक है, डैश लगा दें। फर्स्ट लिखें आप इंटेंसिटी और लाउडनेस, इंटेंसिटी और लाउडनेस, ठीक है। सेकंड लिखें आप, मतलब इंटेंसिटी को लाउडनेस बोला जाता है, सेकंड लिखें आप पिच, थर्ड लिखें आप क्वालिटी। इंटेंसिटी जिसे लाउडनेस बोला जाता है, पिच, और थर्ड लिखें आप क्वालिटी, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डाल दें आप इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और लाउडनेस, ठीक है। इंटेंसिटी या लाउडनेस किसे बोला जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं, इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी भी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो वाइब्रेशनल एनर्जी पर डिपेंड करती है, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, वाइब्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट की बात करें, इज डिफाइंड एच, ठीक है, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड से, ठीक है, इसके बाद आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बताएंगे राहुल सर,
ठीक है, डिस्टेंस बताएंगे, डेंसिटी बताएंगे, साइज बताएंगे, पिच भी क्वालिटी है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।